मैं हुसैन तालमीन मरकज के स्वयंसेवक राजकीय मध्य विद्यालय रतौली भगवानपुर हाट सिवान में 15 से 35 आयु वर्ग के महिलाओं को पठन पाठन का कार्य करवाते हैं। इसके बावजूद भी प्रधान शिक्षक कल्पना नाथ जादन उपस्थिति पंजी पर साइन मोहर नहीं कर रहे हैं ताकि उनका पिछले 4 माह का बकाया मानदेय का भुगतान हो सके, क्योंकि 2500 रुपया घूस मांग रहे हैं उपस्थिति पंजी पर साइन करने के लिए, जिसे के कारण मुन्ना हुसैन का मानदेय का भुगतान नहीं हो रही है और इनकी भुखमरी की स्थिति हो गई है। दिक्कत है कि हम पढ़ाते हैं, हमारा अब्सेंटी पर सब साइन नहीं करते हैं, सब साइन करते हैं तो पैसा महीने के बाद पड़ते हैं, हम रोज आते हैं। अभी भी देखिए हमारा सामने बोर्ड लगा हुआ है, हम रोज आते हैं, हर रोज पढ़ाते हैं। तो उसके बावजूद भी क्या करते हैं? उसके बावजूद भी हमारे से पैसे मांगते हैं। किस लिए पैसे मांगते हैं? अब्सेंटी पर साइन करने के लिए। आपको पर मंथ हो जाता है क्या? नहीं, हमारा 6 महीने पे 5 महीने पे ऑब्सेंटी मिलता है और जिले से भी 6-7 महीने से पैसा मिलता है। मान लीजिए कि गरीब आदमी है, जब तक कर्जे काट कर खाते हैं हम, और इनको कहाँ से 2500 रुपया देंगे। हम चाहते हैं कि अच्छे तरह से हमारा बहुत बढ़िया से हमारा ऑब्सेंटी पर साइन कर दें कि हम गरीब आदमी, ताकि हम जिए और हमारा पैसा भी आए, हम लोग सुखी से रहें। स्कूल में जाने लो कि घर है? स्कूल में। दो आदमी जाने लो कि और आदमी? ना, 4-5 जन के बने सारो टू लगे वाले। टोटल कितना लोग बा? 20 आदमी। और रोज पढ़ावे नहीं? हाँ। तब हेडमास्टर काहे कहलन कि ना अथी करन लन ना पढ़ा लन? पैसे के अथी से घुस मांगत है। हां, घुस मांगलन उनकरा से, मुन्ना जी से। तो रवा लोग के भी हम लेके चले, हम मान ली कि पदाधिकारी के लगे ये बात कहे खाते तो चलम लोग नु। हाँ, चलम नुनू जी। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाई हूँ कि आगे मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तरह की समस्या और भी टोला से तालमी मरकज के स्वयंसेवक के साथ हो। इसके लिए मैं थाना प्रभारी भगवानपुर हाट सिवान को, जिनका मोबाइल नंबर 9431818245 6 पर कॉल कर दबाव बनाएं और हमारी मदद करें। मैं ज्ञानती कुमारी सिंह बिहार से, इंडियन हट के लिए।